हेलो एवरीवन, सो आर टूरिस्ट टॉपिक इज नॉट अवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या नहीं है, यानी हमारी प्रॉब्लम नहीं है ऑफ क्लास फोर्थ इंग्लिश फ्रॉम बुक सेलिब्रेट पियर्सन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप। हैव यू हर्ड ऑफ द प्रोवर्ब अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन? दिस मीन्स दैट इफ यू नीड टू डू समथिंग, इट इज बेटर टू डू इट राइट अवे बिफोर इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम। प्रोवर्ब यानी कहावत, क्या आपने ये कहावत सुनी है, समय में एक सिलाई नौ बचाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो इससे पहले कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए उसे जल्द ही करना बेहतर है। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इफ़ यू हैव बीन इन सच अ सिचुएशन। पेयर्स में काम करें और डिस्कस करें कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ किंग डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ड्यूटीज यानी कर्तव्य, जब एक राजा अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं करता तो क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी पढ़ें। द किंग ऑफ अ स्मॉल कंट्री सैट विद हिज एडवाइसर ईटिंग हनी ऑन पफ्ड राइस। दे टॉक्ड ऑफ दिस एंड दैट। एडवाइजर होता है सलाहकार, जो सलाह देता है। पफ्ड राइस होते हैं मुरमुरे। एक छोटे से देश का राजा अपने एडवाइसर के साथ बैठकर मुरमुरे पर शहद लगाकर खा रहा था। इन्होंने इस और उस के बारे में बात की, यानी वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। द किंग नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही वॉज डूइंग लेट अ ड्रॉप ऑफ हनी फॉल ऑन टू द विंडो सिल। विंडो सिल होती है खिड़की की चौखट। राजा ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए कि वो क्या कर रहा है, शहद की एक बूंद खिड़की की चौखट पर गिरने दी। यानी कि खाते खाते हनी की एक ड्रॉप जो है वो खिड़की की चौखट पर गिर गई। मतलब उसे पता लगा लेकिन उसने इग्नोर किया कि गिर गई तो गिरने दो। ओह सर, लेट मी वाइप दैट अप। ओह सर, मुझे उसे साफ करने दो। नेवर माइंड, इट इज नॉट अवर प्रॉब्लम, द पैलेस हेल्पर्स विल क्लीन इट लेटर। कोई बात नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, महल के हेल्पर्स बाद में इसे साफ कर देंगे। As the two continued to eat, the drop of honey slowly began to drip down the window sill. Drip होता है बूंद की फॉर्म में नीचे गिरना। जैसे ही दोनों खाना खाते रहे, शहद की बूंद धीरे धीरे खिड़की से टपकने लगी। At last, it fell with a plop onto the street below. Plop होता है soft sound of liquid, यानी liquid की soft sound। आखिरकार वो धड़ाम से नीचे सड़क पर गिर पड़ी। क्या गिरी? हनी की ड्रॉप। Soon a fly landed on the drop of honey and started its own meal. जल्द ही एक मक्खी शहद की बूंद पर बैठी और अपना खाना खाने लगी। Immediately a lizard sprang up and with a flick of its long tongue swallowed the fly. जल्द ही एक छिपकली उछली और अपनी लंबी जीभ के झटके से मक्खी को निगल गई। But a cat saw the lizard and pounced on it. लेकिन एक बिल्ली ने छिपकली को देख लिया और उस पर झपट पड़ी। Then a dog sprang forward and attacked the cat. तभी एक कुत्ता आगे आया और बिल्ली पर हमला कर गया। Sir, there seems to be a cat and dog fight in the street. Should we call someone to stop it? Sir, लगता है गली के कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई हो रही है, क्या हमें इसे रोकने के लिए किसी को बुलाना चाहिए? Never mind, it is not our problem. कोई बात नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। Meanwhile, the cat's owner arrived and beat the dog with a stick. इसी बीच बिल्ली का मालिक आ गया और कुत्ते को डंडे से पीटने लगा। The dog's owner ran up and began to throw stones at the cat. कुत्ते का मालिक दौड़कर आया और बिल्ली पर पत्थर फेंकने लगा। Soon they started fighting each other. जल्द ही वो एक दूसरे से लड़ने लगे। Sir, there are two persons fighting in the street now. Shouldn't we send someone to break this up? सर, अभी सड़क पर दो लोग लड़ रहे हैं, क्या हमें इसे खत्म करने के लिए किसी को नहीं भेजना चाहिए? नॉट अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। द फ्रेंड्स ऑफ द कैट ऑनर एंड द डॉग ऑनर ज्वाइन टू चीयर देम ऑन। सून बोथ ग्रुप्स एंटर द फाइट एंड अटैक ईच अदर। बिल्ली के मालिक के दोस्त और कुत्ते के मालिक के दोस्त उनको चीयर करने के लिए, यानी उनका उत्साह बढ़ाने में शामिल हो गए। जल्द ही दोनों ग्रुप्स लड़ाई में शामिल हो गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। सर, पीपल आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट नाउ, परहैप्स वी शुड कॉल समवन टू स्टॉप देम। सर, सड़क पर लोग लड़ रहे हैं, शायद हमें उन्हें रोकने के लिए किसी को बुलाना चाहिए। इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सोल्जर्स अराइव्ड ऑन द सीन। एट फर्स्ट दे ट्राई टू ब्रेक अप द फाइटिंग, बट व्हेन दे हर्ड द कॉज ऑफ द फाइट, सम साइडेड विद द कैट्स ऑनर, अदर साइडेड विद द डॉग्स ऑनर। अब सिपाही यानी सोल्जर्स लड़ाई वाली जगह पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने लड़ाई खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई का कारण सुना
तो कुछ लोग बिल्ली के मालिक के साइड हो गए और कुछ लोग कुत्ते के मालिक के साइड हो गए, यानी कुछ सोल्जर्स कैट ऑनर के साइड हो गए और कुछ सोल्जर्स जो हैं डॉग ऑनर के साइड हो गए। सून द सोल्जर्स टू हैड जॉइंड द फाइट, जल्द ही सैनिक भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। विद द सोल्जर्स इन्वॉल्व द फाइट टर्न इनटू अ सिविल वॉर, सोल्जर के शामिल होने से लड़ाई जो है वो सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में बदल गई। हाउसेस वर बर्न डाउन, घर को जला दिया गया। पीपल वर हार्म्ड, लोगों को नुकसान हुआ। द पैलेस इटसेल्फ वाज सेट ऑन फायर एंड बर्न टू द ग्राउंड, महल में भी आग लग गई और वो जलकर खाक हो गया। द किंग एंड हिज एडवाइजर स्टूड लुकिंग एट द रुइंस, राजा और एडवाइजर यानी सलाहकार खड़े होकर लड़ाई को देख रहे थे। परहैप्स आई वॉज रॉन्ग, शायद मैं गलत था। परहैप्स द ड्रॉप ऑफ हनी वॉज अवर प्रॉब्लम, शायद शहद की बूंद ही हमारी प्रॉब्लम थी। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्ले लिस्ट क्लास 4th इंग्लिश फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।